एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एक्सप्रेस विद निशा। तो जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, स्किन ब्राइटनिंग, स्किन लाइटनिंग एंड स्किन वाइटनिंग। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इनमें डिफरेंस क्या है और मैं किस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ। बस मैं आज आपको कुछ DIYs और रेमेडीज़ बताऊँगी, होम रेमेडीज़ बताऊँगी, जिससे आपके जो स्किन इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि एक्ने हैं या उसके मार्क्स ब्लेमिशेज रह जाते हैं, उसको कैसे क्लियर करना है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी, इनका डिफरेंस बताऊँगी एंड देन मैं इनके DIYs शेयर करूँगी, राइट? सबसे पहले मैं बताऊँगी आपको स्किन ब्राइटनिंग क्या होती है। स्किन ब्राइटनिंग का मतलब है जब आप बाहर जाते हैं, उससे जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है सन के कांटेक्ट में आके, तो उससे आपकी स्किन के ऊपर एक डेड स्किन सेल्स लेयर बन जाती है, क्रिएट हो जाती है। उस चीज़ को ठीक करना, एक नेचुरल ग्लो और रेडियंस लेके आना स्किन में, दैट इज स्किन ब्राइटनिंग। नेक्स्ट इज स्किन लाइटनिंग। स्किन लाइटनिंग का मतलब है जो आपकी पिगमेंटेशन हो जाती है, जो एक्ने मार्क्स और स्पॉट्स रह जाते हैं स्किन के ऊपर, उसे रिड्यूस करना। डिसकलरेशन हो जाती है, अनइवन स्किन टोन दिखती है, यहाँ कुछ और कलर है, यहाँ कुछ और है, उससे डील करना। थर्ड इज स्किन वाइटनिंग। गाइस, स्किन वाइटनिंग एक ऐसी चीज है जिसे मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। क्या है वो? उसका मतलब है जिस स्किन टोन के साथ आप पैदा हुए हैं उसे बिल्कुल चेंज कर दे। अगर आप डार्क स्किन टोन से हैं तो उसे बिल्कुल फेयर स्किन टोन में लेके आना, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी डार्क स्किन टोन वालों से, गाइस, सिर्फ गोरा होना सुंदर होना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका स्किन कलर है, स्किन टोन है, वो बेस्ट है। लव योर स्किन टोन, लव योरसेल्फ। सो गाइस, अब मैं आपसे DIYs शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्किन ब्राइटनिंग के रिलेटेड DIY बताऊंगी एंड उसमें जो मैं अभी आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है ऑयली, सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन टाइप के लिए, राइट? गाइस, सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट आपको लेना है दैट इज मुल्तानी मिट्टी। मैं जो यूज करने जा रही हूँ वो है एल्प्स गुडनेस का मुल्तानी मिट्टी पाउडर, राइट? जो ऑयली और सेंसिटिव स्किन टाइप के हैं तो आप सोक्ड आलमंड्स यूज करेंगे। आप आलमंड्स को ओवरनाइट सोक करके रखें एंड सुबह उठ के आप उसका पाउडर बना लें। थर्ड इंग्रेडिएंट जो आप लेंगे दैट इज रोज वाटर, गुलाब जल। आप कोई भी रोज वाटर यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ डाबर का रोज वाटर यूज कर रही हूँ। अब जो मैं आपसे पैक शेयर करूंगी वो कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल एंड ड्राई स्किन के लिए है। दोनों के इंग्रेडिएंट्स सेम ही हैं, बस एक इंग्रेडिएंट का डिफरेंस है। अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन टाइप से हैं जैसे कि मैं हूँ तो आप कर्ड यूज करेंगे, राइट? और अगर आपकी नॉर्मल एंड ड्राई स्किन है तो आप रॉ मिल्क ऐड करेंगे। सेकंड इंग्रेडिएंट जो आप लेंगे दैट इज सैंडलवुड पाउडर। आप चंदन पाउडर कोई भी ले सकते हैं, मैं जो यहाँ यूज कर रही हूँ वो है एल्प्स गुडनेस का सैंडलवुड पाउडर।
में जितने भी पाउडर्स आपसे आज शेयर करूँगी वो सिर्फ purple.com से मिलते हैं। इसके जो बाइंग लिंक्स हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है दैट इज हनी, दैट इज गाया का हनी, ये आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे मिल जाएगा। मैंने ये ड्राई आमंड का पाउडर बना लिया है। सो नेक्स्ट जो मैं आपसे फेस पैक शेयर करने जा रही हूँ वो है स्किन लाइटनिंग के लिए, राइट। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे स्किन टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट जो है वो चेंज होगा। अगर आप नॉर्मल एंड ड्राई स्किन कैटेगरी में हैं तो आप रॉ मिल्क यूज़ करेंगे। अगर आप ऑयली सेंसिटिव और एक्ने प्रोन हैं तो रोज़ वाटर। अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन टाइप से बिलोंग करते हैं देन कर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा दैट इज लेमन जूस। लेमन इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, इससे जितने भी एक्ने स्कार्स एक्ने मार्क्स दूर हो जाते हैं। जो हम लेंगे दैट इज टमेटो, टमेटो जूस। नेक्स्ट जो हम इसमें ऐड करेंगे दैट इज टर्मरिक पाउडर, हल्दी, दैट इज अंबा हल्दी पाउडर। नेक्स्ट जो हम इंग्रेडिएंट लेंगे इसमें दैट इज लिक्रिश पाउडर, लिक्रिश मुलेठी है। कमेंट डाउन बिलो कि अगर आपने कोई भी इनमें से पैक्स ट्राई किए हैं और अगर ट्राई किए हैं तो उसका आपके स्किन पे क्या रिजल्ट शो हुए हैं। So that's all for the video. If you really like it, then hit the like button, comment and share. If you want more such videos, then subscribe to my channel and hit the bell icon for notification. Wait for the next video. Till then, stay happy, stay healthy. Bye-bye.